पंचकुला केस सीबीआई की विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित चार अन्य दोषियों को रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। किसान आंदोलनकारियों द्वारा रेल रोको अभियान के आह्वान को लेकर प्रदेश में कई स्थानों पर रेल सेवा प्रभावित, यात्रियों को करना पड़ा असुविधा का सामना। झज्जर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा की योगदान को लेकर डिजिटल प्रदर्शनी का उपायुक्त ने किया शुभारंभ। और कोरोना महामारी के चलते लगभग 20 महीने से बंद पड़ी कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थलों की प्रक्रिया के परिक्रमा के लिए बस सेवा फिर से बहाल, यात्रियों ने किया फैसले का स्वागत। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार, अब समाचार विस्तार से। पंचकुला के सीबीआई की विशेष अदालत ने आज डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित चार अन्य दोषियों को रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में मुख्य दोषी गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए, जबकि अन्य दोषी प्रत्यक्ष रूप से सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। पंचकुला पुलिस द्वारा शहर में 17 पुलिस नाके लगाए गए हैं, जिसमें 700 जवानों की तैनाती की गई है। पीड़ित पक्ष के वकील आरएस बैंस ने बताया कि गुरमीत राम रहीम सहित चार अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आज सजा सुनानी थी क्योंकि उन्हें मुझे कन्विक्ट पिछले हफ्ते घोषित कर दिया गया था, तो आज जो सजा दी है पांचों के पांचों मुजरिम को उम्र कैद दी है। और बाबा राम रहीम सिंह को 30 लाख प्लस 1 लाख 31 लाख का जुर्माना दिया है, जो कि उसमें आधा कॉम्पनसेशन जाएगा विक्टिम परिवार को, बाकी भी विक्टिम परिवार को ही आएगा। तो बाकी जो चार मुजरिम हैं उनको भी उम्र कैद हुई है, मगर उनको जो जुर्माना है वो 50,000 दो जगह 50,000 1-1 लाख सबको देना पड़ेगा। तो ये सजा ये एक्सपेक्टेड ही थी, हालांकि सीबीआई तो कहते थे कि ये तीसरा क्राइम है तो उसमें मौत सजाए मौत दी जा सकती है। तो दूसरे पक्ष ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, वो समाज के लिए खतरा नहीं है, 2002 के बाद कोई 19 साल तक कोई और क्राइम नहीं किया, तो इसलिए लगता है कि जज साहब ने वो दलील को मान लिया है तो उन्हें उम्र कैद दी है। मृतक सेवादार रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने कहा कि मैं इस फैसले से संतुष्ट हूँ। जुडिशरी का इंसाफ है, उन्होंने हमें इंसाफ दिया, हम खुश हैं। नहीं देखो मन में डर तो रहता ही है, देखो अब इस ऐसे किसी आदमी का क्या भरोसा, किसी का जो पहले नहीं जिसने इतना सोचा अब क्या सोचेगा, कोई टेंस था और बैठा था आराम से अपना सिर झुकाए। उनकी अगर वो होते तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, उनकी आत्मा को और शांति मिलती में मिलेगी। आज चलो वो है नहीं है यहाँ इस दुनिया में, चलो उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, अगर वो होते कि अपने बेटे को इंसाफ पता देख के बहुत खुश होते। इंसाफ हुआ जी, मैं हमारे मेरे दादाजी को ये बात कहते हैं भगवान के घर देर है देर नहीं है, तो बल्कि आज उस बात का आपके सामने इंसाफ मिला है हमें। विभिन्न किसान यूनियनों द्वारा आज रेल रोको अभियान के तहत प्रदेश में कई जगह रेल सेवा प्रभावित हुई। रेवाड़ी जिले के बावल स्थित अलवर जयपुर रेलवे लाइन पर अजरका रेलवे स्टेशन पर किसानों ने दिल्ली से अलवर जा रही ट्रेनों को रोक दिया, जिसके चलते यात्रियों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने बताया कि किसानों आंदोलनकारियों द्वारा रेल रोकने के कारण उन्हें काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके चलते उनके काम में प्रभाव पड़ा है और उन्हें अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए किसी अन्य यातायात साधन पर निर्भर होना पड़ रहा है। तो ट्रेन की वजह से हमें परेशानी आ रही है, जो जमींदार भाई बैठे हैं ट्रेन रोक रहे हैं, तो काफ़ी परेशानी आ रही है, या तो सरकार में उनसे फैसला करना चाहिए ताकि हमें कोई दिक्कत परेशानी जोधपुर जाना था, ट्रेन लेट होने की वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। किसानों का फैसला करें, उनका समाधान करें ताकि हमें कुछ कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाए और समय पे हम अपना कार्य कर सकें। सुनने में आया था कि यातायात बाधित किया जाएगा किसानों के द्वारा, उस कारण सारी ट्रेन लगभग लेट होंगी,
अब अगर ट्रेनें लेट होगी तो हम हमारे गंतव्य स्थान पर पहुँच नहीं पाएंगे, हमारा जो भी आगे का काम है वो स्टॉप हो जाएगा, कर ही नहीं पाएंगे, ताकि हम लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अगर हमें आम लोगों को परेशानी होगी तो सरकार को परेशानी होगी। जब तो ये बना जाता है, अब आप देख लीजिए यहाँ पर भी आप ये RPF वाले जो आए हुए हैं, ये भी बेचारे कितनी दूर से हम यहाँ बैठे हुए हैं, कितने समय से बैठे हुए हैं, तो यातायात बातचीत करने का मतलब ही नहीं है किसानों को। अगर किसानों को बातचीत ही करनी है तो दिल्ली जाके बात करें उनसे, यहाँ पे यहाँ बातचीत करने का क्या फ़ायदा उनका, यहाँ को मतलब ही नहीं है बैठने का। मैं गुड़गांव किसी काम के कारण जा रहा था, रेलवे बंद होने के कारण मेरे को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, और भी बहुत सारे परेशान हो रहे हैं, तो रेल को बंद करना उचित नहीं है, इसको जल्द से जल्द चालू करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा मामलों को लेकर देश भर के पुलिस महानिदेशकों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े सभी अहम पहलुओं और मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय पुलिस बलों और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों ने भी हिस्सा लिया। बैठक से पहले गृह मंत्री ने विभिन्न ऑपरेशन में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। झज्जर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सभागार में उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा का योगदान डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय प्रदर्शनी में प्रदेश की गौरव गाथा के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदत्त सेवाओं को भी प्रदर्शित किया गया है। उपायुक्त ने जिलावासियों से आग्रह किया है कि वे इस प्रदर्शनी को आकर देखें और अपने इतिहास को जानें। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी। ये देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं और जो आज की जनरेशन भी खासकर, उसको आज़ादी के क्या मायने हैं इसको समझने की ज़रूरत है, ताकि हम उसकी कीमत समझ पाएँ और इस धरोहर को हम संरक्षित और सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे पाएँ। देश ने जो विकास यात्रा 1857 क्रांति से आज तक जो देश आज़ाद हुआ उसके बाद में किस तरह से एक विकास का पहिया घूमा, उस पूरी जर्नी को देखने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने अतीत पर गौरव कर सकें और हर भारतवासी के लिए ये मतलब गर्व का एक माइलस्टोन है। क्षेत्र में जो आज़ादी का वर्षगांठ मना रहे हैं, तो मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ इसकी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रदर्शनी से जिले भर के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी आमजन है, उसको काफ़ी इसके माध्यम से जानकारी मिलेगी, और हम कोशिश करेंगे इसको स्कूलों तक, ग्राम पंचायतों की इस मुहिम को पहुंचाया जाए। झज्जर की SDM शिखा ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और ये सरकार का एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी में प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और इन प्रदर्शनियों के माध्यम से आमजन को देश की आज़ादी के लिए दिए गए बलिदान के बारे में जानकारी मिलेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ जो है अब तक जितने भी आज़ादी की अहम घटनाएं हुई हैं, उन सबकी कई प्रदर्शनी लगाई गई है, जो एक बहुत ही सराहनीय हमारी सरकार का कदम है, जिससे जो हमारी नई पीढ़ी है वो हमारे जो हमारा में जो जो घटनाएं घटी हैं उनसे वो वाकिफ होंगे, और जो उनका ज्ञान है उसमें निसंदेह उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थलों की परिक्रमा के लिए कुरुक्षेत्र के विकास बोर्ड द्वारा बस सेवा फिर से शुरू की गई है। कोरोना महामारी के चलते लगभग 20 माह पहले ये बस सेवा बंद कर दी गई थी। बस सेवा के एक बार फिर से शुरू होने से तीर्थयात्री 50 रुपये में लगभग 15 तीर्थों की परिक्रमा कर सकेंगे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन सिंह छाबड़ा ने बताया कि अब हालात सामान्य होने पर इस सेवा को तीर्थ परिक्रमा के लिए फिर से आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से इस बस का सुबह 9 बजे चलने का समय निश्चित किया गया है। हम अभी कुरुक्षेत्र और पेहवा के 15 तीर्थों के ऊपर जो बस यात्रा चल रही है उसका दोबारा से शुभारंभ कल जो है हुआ, और ये बस जो है यात्रियों को लेकर इन 16 तीर्थों पर, इन 15 तीर्थों पर जाएगी। ये ब्रह्म सरोवर से शुरू होगी और बाकी सब तीर्थों पर होती हुई, जिसमें से कि किरमच, कमोदा, सारसा, इस तरह के गांवों से निकलती हुई शालीहोत्र तीर्थ, भोर सैदा से होते हुए, ज्योतिसर होते हुए, पेहवा होते हुए, अरनाय तीर्थ होते हुए वापस ब्रह्म सरोवर पर समाप्त होगी। कोरोना काल के बाद फिर से जो कुरुक्षेत्र की जो बस सर्विस है वो 14-15 तीर्थों के लिए फिर से शुरू हो गई है। 50 रुपये का इसमें किराया है, और यात्रियों को फिर से कुरुक्षेत्र के प्राचीन गौरव को देखने का सौभाग्य मिल रहा है, और ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने कोरोना काल के बाद अपनी एक बड़ी उपलब्धि फिर से हासिल की है कि जो यात्रियों को, जो यहाँ कुरुक्षेत्र आने वाले यात्रियों को ये कुरुक्षेत्र के तीर्थों को देखने की एक सुविधा मिल रही है।
तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों ने भी इस बस सेवा के पुनः संचालन का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस बस के फिर से आरंभ होने से उन्हें काफी सुविधा होगी। क्षेत्र कुरुक्षेत्र समय वेता युद्ध सभा माम का पांडवा सेवा किम कुर्वत संजया। इस धर्म क्षेत्र में धर्म करने के लिए कर्म करने के लिए यह कम दक्षिणा लेकर के आपको यह यात्रा कराएंगी और यहाँ सभी मंदिरों में दर्शन कराएंगी। और हमारा तो यही कहना है ज़्यादा समय ना लेते हुए कि आप सभी लोग इसका अनंत लाभ प्राप्त करें। कुरुक्षेत्र में कोरोना महामारी से पहले हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कुरुक्षेत्र दर्शन के लिए 48 कोस की जो दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा के लिए बस चलाई गई थी। कोरोना महामारी के चलते हुए वो बंद थी, उसको दोबारा फिर शुरू किया गया जिससे यात्रियों को बहुत भारी फायदा होता है कि जैसे कि यात्री अपनी अलग गाड़ी कोई लेके आए करें उसमें ज़्यादा खर्चा पड़ता है उनका। तो जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए बस चलाई गई है उससे बड़ा यात्रियों को सुविधा मिलती है और खर्चा कम होता है। भारत कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश ने 98 करोड़ से अधिक कोरोना रोधी टीके की खुराक देकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 13,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 19,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.12% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 2,47,00,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 100 मामले सक्रिय हैं। स्वर्ण जयंती वर्ष 2021 के अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव को हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के तत्वाधान में जिला शाखा फरीदाबाद द्वारा 18 से 22 अक्टूबर 2020 तक बाल महोत्सव 2021 के रूप में मनाया जा रहा है। उपायुक्त एवं जिला बाल कल्याण परिषद अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने कहा कि बच्चे देश के भावी नागरिक हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समाज को समृद्ध और प्रबुद्ध वर्ग को साथ लेकर बाल कल्याण की गतिविधियों को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा जिला स्तर पर बाल भवन के माध्यम से बाल विकास की विभिन्न प्रकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उपायुक्त ने कहा कि इन योजनाओं और कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाने से हम बच्चों के विकास के लिए और अधिक कार्य कर पाएंगे। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो चाहे वो सरकारी स्कूल से हो या निजी स्कूलों से हो। मैंने बाकी भी इवेंट्स देखे जहाँ पर पेंटिंग कंपटीशन है या कार्ड मेकिंग है या दिए बना रहे हैं, तो वहाँ भी इसी तरह का उत्साह जो उत्साह मुझे यहाँ स्टेज पे मिला वही उत्साह वहाँ भी देखने को मिला। सभी पेरेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपने बच्चों को लेके आए। मीडिया के सभी मित्रों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में क्लीन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज गुरुग्राम के गांव सुल्तानपुर में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत नेहरू युवा स्वयं सेवकों द्वारा गांव में कचरा एकत्रित करने और विभिन्न जगहों पर साफ सफाई के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर गांव में कार्यक्रम के दौरान प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचकुला के सीबीआई की विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित चार अन्य दोषियों को रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। किसान आंदोलनकारियों द्वारा रेल रोको अभियान के आह्वान को लेकर प्रदेश में कई स्थानों पर रेल सेवा प्रभावित, यात्रियों को करना पड़ा असुविधा का सामना। झज्जर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान को लेकर डिजिटल प्रदर्शनी का उपायुक्त ने किया शुभारंभ। और कोरोना महामारी के चलते लगभग 20 महीने से बंद पड़ी कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थलों की प्रतिमा के लिए बस सेवा फिर से बहाल।
यात्रियों ने किया फैसले का स्वागत। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें, और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।